हेलो, हेलो एवरीवन। आई थिंक काफी लोग जुड़ गए, तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ महिमा सरीन, होम बेकर, होम शेफ फ्रॉम मुंबई। आप सभी का वेलकम करती हूँ अमूल के पेज पे सिंपल होममेड रेसिपीज लाइव सीरीज में। और आज मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूंगी अमूल का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे एक और अपनी रेसिपी शोकेस करने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है, मैं बीच में थोड़ा बिजी थी, बट आज फिर से एक बढ़िया हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी कटलेट्स। अब आप देखेंगे जब मैं ये रेसिपी बनाऊंगी, प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि ये रेसिपी में आपको ऐसा कोई भी एलिमेंट दिखेगा ही नहीं जो कि आपको लगे कि अनहेल्दी है। एंड इसको बच्चों को खिलाइए, बड़े खाइए, तो बहुत ही अच्छा एक सोर्स है प्रोटीन्स का, वाइटामिन्स का, तो मिनरल्स का। तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यस, हम जब भी कोई रेसिपीज देखते हैं तो हमें आइडियाज मिलते हैं और उन आइडियाज से हम लोग और नई नई रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आज मैं एक और हेल्दी रेसिपी, हेल्दी कटलेट्स बनाने वाली हूँ। और देखिए इसमें मेरे जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, मेरी वॉइस क्लियर है, आई थिंक आई एम ऑडिबल, एंड वीडियो क्लियर है एकदम। वीडियो तो मुझे समझ में आ रहा है, एक बार बस वॉइस के लिए बता दीजिए थम्स अप देके कमेंट्स में कि आपको मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है। करूँ रेसिपी स्टार्ट? चलिए ठीक है, ओके। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ इसमें मैं यूज करने वाली हूँ ओट्स। हमारे जो नॉर्मल प्लेन ओट्स आते हैं, इंस्टेंट ओट्स, उनका मैंने एक पाउडर बना के रखा और थोड़ा सा ऐसे ही प्लेन रखा है। साथ ही में मैं यूज करने वाली हूँ अमूल का पनीर। अमूल का पनीर आप जानते हैं बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, कैल्शियम का, तो मैं हमेशा वही यूज करती हूँ और रेकमेंड करती हूँ वही करिए, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड बहुत फ्रेश मलाई पनीर मिलता है, तो जरूर यूज करिए इसको। साथ ही में हम डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि ग्रेटेड कैरेट, बीटरूट, ग्रेटेड बीटरूट, और ये कॉर्न है जो स्वीट कॉर्न आता है उसको मैंने बॉईल करके दरदरा करके पीस के रखा हुआ है, एंड ये है कैप्सिकम। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैं यूज कर रही हूँ, और आप चाहे तो कोई भी रेसिपीज चेंज कर सकते हैं, जैसा भी चाहे वेजिटेबल्स जो है वो डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट मैंने ऑलमोस्ट मोस्ट हेल्दी रेसिपीज वेजिटेबल्स ले ली है। तो अब हम क्या करेंगे, आज मैं ये वाले जो कटलेट्स है, कटलेट्स का आप कोई भी शेप बना सकते हैं, मैं इसको आज अप्पे में बनाने वाली हूँ, अप्पे पैन में, अप्पे का शेप देके। तो इसको मैं स्लो पे ऑन कर देती हूँ, एंड आपको वीडियो क्लियर है यहाँ से? यस। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ओट्स का पाउडर मैंने बनाया था वो लेंगे। ये ऑलमोस्ट हाफ कप है, जो हाफ कप हमारा ओट्स का पाउडर रहेगा। ओट्स बहुत अच्छा प्रोटीन
का सोर्स होता है, तो वैसे भी खाना चाहिए, बट जैसे बच्चे नहीं पसंद करते ऐसे खाना, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को ओट्स खिलाने का। अब आप देखिए, इसमें मैं आलू नहीं डाल रही, इवन बनाना, रॉ बनाना नहीं डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, मैं सारे हेल्दी एलिमेंट्स ही इसमें ले रही हूँ। अब मैंने डाला इसमें पनीर, हम डाल देंगे हमारी सारी वेजिटेबल्स, ग्रेटेड कैरेट, कैप्सिकम, बीटरूट एंड कॉर्न। अब क्या होता है ना, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ हेल्दी चीज बनाते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं जो बच्चों को टेस्ट में पसंद नहीं आते। वेजिटेबल्स हो गई, ओट्स हो गई, बच्चे नहीं लाइक करते उनको, तो आलू जहां आएगा वो बेस्ट है, फ्रेंच फ्राइज खिला दो, मैकेरन का स्माइली खिला दो। तो इसीलिए क्या करना होता है कि हमें उनमें फ्लेवर अच्छे से डालना होता है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा खाने का सोडा, बहुत जरा सा डालेंगे, देखिए एक चुटकी भर। इससे क्या होगा कि हमारे जो कटलेट्स है ना थोड़े से लाइट एंड फ्लफी बनेंगे। तो फ्लेवर डालना बहुत जरूरी है अच्छा सा, तो तब क्या होगा जब आपका फ्लेवर अच्छा रहेगा तो बच्चे ये जो सब्जियों का टेस्ट है ना उसको भूल जाएंगे और अच्छे से आपका जो ये है एंजॉय करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं इसमें कुछ मसाले डालने वाली हूँ जो उनको पिज्जा की याद दिलाएंगे, ठीक है, और साथ में थोड़ा स्पाइसी भी रहेगा तो उन्हें ये खाने में मजा आएगा और वो बिल्कुल बिना नखरे के ये खा लेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा जो इटालियन पिज्जा मिक्स होता है वो, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें सब मिक्स हर्ब्स है, इसमें गार्लिक पाउडर होता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, चिली होती है, ओरिगैनो होता है, बेसिल होती है, रोजमेरी होती है ना, तो इसका मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाता है, वो डालेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें चीज पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहें तो चीज भी डाल सकते हैं, मेरे पास चीज पाउडर है तो मैं थोड़ा सा चीज पाउडर डाल रही हूँ। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, मसाले में जो मैंने डाला है उसमें सॉल्ट होता है इसीलिए इसमें हम सॉल्ट कम डालेंगे, एंड अब हम इसको करेंगे पहले अच्छे से मिक्स। अब देखिए पनीर है तो थोड़ा सा बाइंडिंग ही होगा, लेकिन हमको इसको प्रॉपर बाइंडिंग नहीं आएगी, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि क्या करना है। अब मैं ये जो खड़े ओट्स हैं वो भी इसमें डाल दूंगी, देखिए काफी स्टिकी हो गया है पनीर के वजह से। जैसे एक बॉल का शेप फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें अगर लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड करिए, बट पनीर की वजह से जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो थोड़ा सा पनीर और ऐड कर दीजिए। और इसको देखिए हमको डीप फ्राई करना नहीं है, तो टेंशन नहीं है कि भाई ऑयल में ये जाके फट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम इसलिए इसको अप्पे के पैन में बना रहे हैं, अप्पे के पैन में एक तो फायदा ये होता है कि ऑयल बहुत कम लगता है, दूसरा वो फटने का डर नहीं होता, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें बॉल, अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें और ये फिर भी इसके बॉल्स बहुत अच्छे से फॉर्म हो गए, राइट, तो हम ऐसे इसके बॉल्स बना लेंगे। और इसमें फिर अब आपको ऊपर से और कोई कोटिंग की जरूरत नहीं है, सॉरी किसी ने ज्वाइन किया है, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि वो जो लैंग्वेज है वो मुझे नहीं समझ में आ रही है, बट आप सभी जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है उन सबको हेलो।
आई होप आप लोग सब बढ़िया हैं हेल्थ वाइज भी, और अच्छा अच्छा खाना बनाते रहिए, खिलाते रहिए, खाते रहिए, हेल्दी रहिए। तो ये जो रेसिपी है आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा एक भी अनहेल्दी एलिमेंट नहीं है, राइट। और फ्लेवर बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और कुछ अलग हटके रेसिपी है, तो ये जो रेसिपी है आप इसको अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं। ऐसे बॉल्स प्रिपेयर करके रख लीजिए, सिर्फ इसमें जो कैप्सिकम था वो मैंने चॉप्ड लिया। आए नीता जी, ठीक है, कैप्सिकम को मैंने बारीक चॉप किया, क्योंकि कैप्सिकम को अगर हम ग्रेट करते हैं ना तो वो बहुत पानी छोड़ देता है, फिर वो उसका जो एक फ्लेवर है वो भी नहीं आता, तो इसीलिए मैं कैप्सिकम हमेशा बारीक काट के लेती हूँ। बाकी मैंने कॉर्न को दरदरा, बॉइल्ड कॉर्न था, मैंने उसको पहले बॉइल कर लिया था और फिर उसको जस्ट अ सेकेंड दरदरा सा चॉपर में चॉप कर लिया था, तो वो ऐसे एकदम पिसा भी नहीं। नीता जी मैं हेल्दी कटलेट्स बना रही हूँ, मैंने ओट्स के कटलेट्स बनाए जिसमें मैंने कोई आलू नहीं यूज किया है आज, एकदम ही ज्यादा हेल्दी है। ओट्स एंड पनीर एंड वेजिटेबल्स यूज करके मैं कटलेट्स बना रही हूँ, तो आज के जो हमारे कटलेट्स की बाइंडिंग है वो हमारे बहुत ही अच्छे अमूल के पनीर से हो गई है पूरी, तो मुझे इसमें और कुछ भी नहीं डालना पड़ा। मैं रेसिपी अभी एक बार रिपीट कर दूंगी जब मैं ये कटलेट्स पकने डालूंगी। अब इन कटलेट्स को हम फ्राई भी नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे अब पे पैन में इनको सेकेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, और उसके लिए मैं लूंगी अमूल का घी, क्योंकि घी में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और घी वैसे भी खाने के लिए बहुत हेल्दी होता है, तो मैं ज्यादातर करके अमूल का घी ही यूज करती हूँ। थोड़ा थोड़ा हम हर कैविटी में डाल देंगे घी, तो अभी मैं थोड़े से ही बनाऊंगी। तो ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ना ये, और ये बनके भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं कैविटी में, और इसको स्लो पे कुक करेंगे। वैसे देखिए ओट्स जो होता है इंस्टेंट ओट्स वो ना बहुत कच्चा नहीं होता, ठीक है, उसको बहुत नहीं पकाना पड़ता, और बाकी वेजिटेबल्स भी हम जैसे सैलेड में तो कच्ची खाते ही है, तो इसलिए ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको ओवर कुकिंग की जरूरत है, तो नॉर्मली हम अपना इसको कुक करेंगे। एंड क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो हम वैसे ही बहुत सी अनहेल्दी चीजें बीच बीच में खाते रहते हैं, बहुत मिठाइयां खाने में आती है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे घर में हम जब रूटीन खाना खा रहे हैं तो ऐसा कुछ हेल्दी बना ले, उससे क्या होता है कि एक बैलेंस हो जाता है लाइफ में, कि ठीक है थोड़ा सा अनहेल्दी खाया, बाहर का खाया, मिठाइयां खाई, और थोड़ा टाइम हमने घर में ऐसे कुछ हेल्दी खा लिया, लेकिन इनोवेटिव भी है, कुछ रेसिपी इंटरेस्टिंग है, तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं, तो ऐसे करके हम लोग डिशेस क्रिएट करते हैं और ऐसे कुछ कुछ बनाते हैं। इंग्रीडियंट सिंपल होते हैं, हमारे नॉर्मल इंग्रीडियंट्स ही होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न देके हम एक अच्छी सी रेसिपी बना लेते हैं, और बच्चों को कुछ नया मिल जाता है वो खुशी से खा लेते हैं। अब इसका जब क्या होता है ना, ये पकेगा ना तो इसमें सारा जो है जो खुशबू आएगी वो सारे फ्लेवर्स की आएगी, जो हमने इसमें पिज्जा मैजिक मसाला डाला है, तो उससे क्या होगा बच्चों को वैसे ही मजा आ जाएगा कि मम्मी कुछ पिज्जा जैसा कुछ बना रही है, तो वो ज्यादा आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे ही नहीं और वो इसको मजे से खा लेंगे। तो इसलिए ऐसी चीजें बनाने से क्या होता है कि आप बच्चों को हेल्दी चीजें इजीली खिला पाते हैं। इसका सही में अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है, मैं आपको फोन में नहीं बता सकती, लेकिन यस आप जब भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस अरोमा की बात कर रही थी। और ये एक साइड से हल्का सा गोल्डन हो गया है, तो इसको मैं टर्न कर रही हूँ
और टर्न करके मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी, क्योंकि मैंने कहा घी वैसे भी हेल्दी होता है और फ्लेवर भी अच्छा आएगा और वो पकेगा भी अच्छे से, इसलिए आप घी डालने में सोचिएगा मत कि अरे इतना तो फैट हमारी बॉडी को चाहिए भी है। तो ये डीप फ्राइंग के अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो लोग डीप फ्राइंग अवॉइड करना चाहते हैं। आप चाहे तो इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा घी लगा के ड्रिजल कर दीजिए ऊपर से और एयर फ्रायर में कर लीजिए। अगर ज्यादा क्वांटिटी एयर फ्रायर में रख दीजिए, 15-20 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे और फटाफट गैस पे तो जल्दी बनता ही है, तो ऐसे अपने पैन में आप लोग जल्दी से भी बना सकते हैं। तो हमारी एक प्लेट रेडी है जिसमें मैं ये हमारे हेल्दी कटलेट्स को प्लेट करने वाली हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। इसको कुक स्लो पे ही करिएगा क्योंकि बहुत देर वैसे भी लगती नहीं है बनने में, तो अच्छे से मतलब ये हो जाएगा क्रिस्पी, और सोडा डालने से क्या होता है कि इसमें ना एक हार्डनेस नहीं रहेगी, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा। हेलो सविता आंटी, ये ना अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा तो खाने में अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है जैसे ओट्स एक फ्लावर है, जैसे आटे का कुछ आप बना रहे हैं ना, मतलब इसमें आलू नहीं है, तो कभी भी कोई भी आटे की अगर चीज बनाते हैं, कोई जिसमें आटा जैसा कुछ पड़ रहा है, तो उसमें हम अगर जरा सा पिंच ऑफ सोडा डालते हैं तो वो एकदम फ्लफी बनता है। जैसे बेसन की भी कोई चीजें बनाते हैं तो उससे वो मतलब ऐसे डेंस नहीं बनेगा, फ्लफी और एयरी बनता है, तो वो खाने में और अच्छा लगता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, और अप्पे के पैन में ये बेस्ट होता है कि आप ऐसी कोई चीज बनाते हैं तो फटता नहीं है। हेलो मम्मा, थैंक यू सविता आंटी। मैंने आज हेल्दी कटलेट्स बनाए, चलिए जब तक मैं रेसिपी भी रिपीट कर देती हूँ। तो आज जो मैं हेल्दी कटलेट्स बना रही हूँ उसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली थी, जैसे कि कैरेट, बीटरूट, स्वीट कॉर्न एंड कैप्सिकम। तो कैरेट और बीटरूट को तो मैंने कच्चा ग्रेट कर लिया था, जो स्वीट कॉर्न था वो मैंने बॉइल करके उसको दरदरा सा चॉपिंग में चॉप कर लिया था, मतलब उसके ऐसे बारीक बारीक से पीसेस कर रहे थे, बट बहुत पेस्ट नहीं बनाया था, दरदरा उसको रखा था। और साथ में जो मेरी कैप्सिकम है उसको मैंने फाइन चॉप किया था। और फिर मैंने ओट्स लिए, जो हमारे ओट्स होते हैं उनको मैंने क्या किया कि पीस लिया, ओट्स का एक फ्लावर रेडी किया। वो फ्लावर भी बहुत ज्यादा पतला नहीं था, वो आप मान सकते हैं कि रवे से भी थोड़ा सा मतलब ठीक ही था, लेकिन पिसा हुआ था। और साथ में मैं थोड़ा सा ओट्स एज इट इज ले लिया था। और फिर मैंने क्या किया, इन सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स किया, साथ ही में मैंने इसमें डाला अमूल का मलाई पनीर ग्रेट करके। उससे क्या हुआ कि जब अमूल का पनीर आप डालते हैं तो वो एक अच्छी सी बाइंडिंग दे देता है, और उसमें हमें कोई भी फिर एक्स्ट्रा आलू या ऐसी ब्रेड कोई भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये जो पूरी बाइंडिंग है, ये जो बॉल्स बन गए अच्छे से, ये अमूल के पनीर से ही बन गए। थोड़ा सा मैंने डाला सोडा, खाने का जो सोडा होता है वो डाला, और साथ ही में मैंने डाले कुछ फ्लेवर देने के लिए मसाले। मैं बता रही थी कि जब भी कोई हेल्दी चीज होती है तो बच्चों को उनका जनरली टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हेल्दी चीजों के यहाँ फ्लेवर्स अच्छे डालने हैं तो बच्चे खुशी से खा लेते हैं। तो मैंने पिज्जा का जो मिक्स है स्पाइस आता है वो डाला, और साथ में मैंने एक चीज का पाउडर डाला। चीज का पाउडर नहीं है तो आप चीज डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये सब डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया तो मेरा एक ऐसा बैटर जैसा बन गया, और इसको मैंने अच्छे से ऐसे बॉल्स का शेप दे दिया। अब मैं इनको अप्पे पैन में घी के साथ फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा घी लगा, एक एक दो दो ड्रॉप, और उसमें ये अच्छे से एकदम क्रिस्पी रोस्ट हो रही है। देखिए आप देख सकते हैं चारों तरफ एक अच्छी सी इसकी लेयर आ गई है, बहुत ही अच्छी, और अरोमा जो इसका आ रहा है ना
वो मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है। और स्लो मैं इसलिए कुक कर रही हूँ ताकि ये क्रिस्पी हो जाए तो खाने में और मजा आता है। तेज पे भी करेंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएंगे, लेकिन ये है कि आराम से बनाइए पेशेंस के साथ तो चीज हमेशा अच्छे से निकल के आती है। ऑलमोस्ट डन है, और अप्पे पैन में क्या होता है ना कि एक तो आपको डीप फ्राइंग करने की जरूरत नहीं है, फटने का कोई डर नहीं है और बहुत अच्छे राउंड बॉल्स बन जाते हैं। हेलो भाग्यश्री जी, थैंक यू मम्मा। यस, बहुत हेल्दी है और इवनिंग में खाइए, गेस्ट को खिलाइए। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये हमारे रेडी है। अब मैं इनको डायरेक्ट ही प्लेटिंग उसमें डाल देती हूँ। टूथपिक लेंगे, देखिए एक मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। गैस मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए देखिए, पास से आप पहले इसका लुक देखिए, कलर कितना अच्छा आ गया है। और अब हम इसको आपके सामने ही कट करेंगे। आपको धुआं दिख रहा होगा थोड़ा सा, गरम गरम एकदम, एंड ये पूरा अंदर से पक गया है। देखिए इसमें कच्चा ज्यादा कुछ रहने का सवाल ही नहीं है क्योंकि ओट्स बहुत जल्दी पक जाते हैं। जो इंस्टेंट ओट्स होते हैं उनको बहुत कुकिंग करनी ही नहीं पड़ती है, और बाकी चीजें आपकी वैसे भी रॉ होगी, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी ही लगती है, लेकिन फिर भी वो पक गई स्टीम से थोड़ी सी। एंड पनीर तो आप जानते ही है, वो भी थोड़ा ही पकाना पड़ता है। तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कि आपका कच्चा रहेगा। तो चलिए हम आपको पास से दिखाते हैं हमारा। तो मैंने रेसिपी भी अच्छे से इसमें रिपीट कर दी थी। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अमूल के फेसबुक पेज पे ये वीडियो रहता है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप ये ट्राई करेंगे तो डू टैग अमूल एंड मी। और मेरी इंस्टाग्राम पे और भी बहुत रेसिपीज होती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, महिमा सरीन। एंड बाकी जरूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी को, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे एक हेल्दी रेसिपी अपनी फैमिली के साथ। यस, ये इंस्टेंट ओट्स है, वैसे भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ओट्स वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं, तो इसमें मतलब मुझे था कि मैं कुछ भी, इवन आलू भी मैं नहीं डालना चाहती थी। तो विदाउट एनी एलिमेंट जो कि आपको लगे कि नहीं यार कोई सोचता है हमें आलू नहीं खाना है, तो ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं कि कोई बोलेगा हमें ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। इसमें ऐसे सारे इंग्रीडियंट्स हैं जो सब लोग आराम से खा सकते हैं एंड एक हेल्दी मील खा सकते हैं। तो जरूर ट्राई करिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, एंड जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप ये रेसिपी ट्राई करिए और एंजॉय करिए। बाय बाय, थैंक यू मम्मा।